आप सबको जानकारी है कि ये न्यायालय के आदेश पर अतिक्रमण हटाने का जो काम है वो चल रहा था और ये काम पहले से चल रहा था और कल जब प्रशासन की टीम पुलिस की टीम उसी अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए गई थी, जो अवैध निर्माण था उसको हटाने गई थी, उसके ऊपर पूरा सुनियोजित तरीके से जो ये हमला हुआ है, जिस प्रकार से हमारे पुलिस के जवान, पुलिस के अधिकारी और खास तौर से जो हमारे महिला पुलिसकर्मी हैं, उनको जिस तरह से मारा है, पीटा है, उनके ऊपर हमला हुआ है पत्थरों से और बंदूकों से, ये बहुत ही जितना इसके बारे में खराब कहा जाए वो कम है। हमारी देवभूमि है, उत्तराखंड देवभूमि है, यहां पर ऐसे हालात कभी नहीं हुए। इन्होंने देवभूमि की जो फिजा है, देवभूमि का जो माहौल है, उसको खराब करने का प्रयास किया है, पूरी तरह से कानून तोड़ा है, कानून अपने हाथ में लिया है, पत्रकारों को भी बुरी तरह से उनके कैमरे तोड़े हैं, उनके साथ मारपीट की है। और मैंने आज सवेरे कुछ पत्रकार साथियों से बात करी फोन पर, तो उन्होंने बताया कि उनको जिंदा आग में झोंकने का भी प्रयास किया गया पकड़ के। और एसडीएम रेखा कोहली से भी मैंने बात करी, उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से उनके साथ वहां पर मारपीट हुई है, किस तरफ से आगजनी हुई है, हत्या का किस तरह से प्रयास हुआ है। कानून अपना काम करेगा, इसमें जिन लोगों ने भी सरकारी संपत्ति जलाई है या लोगों की संपत्तियां जलाई हैं, वाहन जलाए हैं, उसके सारे वीडियो फुटेज, फुटप्रिंट सभी उपलब्ध हैं, उसको चेक किया जाएगा, जांचा जाएगा और उस पर जो भी कार्रवाई है, विधि सम्मत जो कार्रवाई है, वो कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। सर फेलियर नहीं है सर, ये कहीं ना कहीं प्रशासन का फेलियर है सर, फेलियर नहीं है सर, क्योंकि इंटेलिजेंस नहीं थे और एलआई की रिपोर्ट नहीं थी। देखिए, इसके साथ साथ यह भी है कि इतना सारा जो हथियार यहाँ पर था, इस प्रकार से वहां पर मारपीट के सामान इकट्ठे किए गए थे, वो सब जांच के विषय हैं। इन सब की जांच होगी और जो कार्रवाई है वो कार्रवाई होगी, कानून अपना काम करेगा। सर, जिस तरह वो ट्रेंड लोग हैं, जो भी लोग इसमें हमारे पुलिस के सामान्य जनता के, आम जनता के लोग घायल हुए हैं, चोट लगी है, उनका हम पूरा ख्याल रख रहे हैं, पत्रकार साथियों का भी पूरा ख्याल रख रहे हैं और मैंने कहा कि कानून अब अपना काम करेगा। इसका बैकग्राउंड ये है कि 15-20 दिन से हल्द्वानी के अलग अलग क्षेत्रों में और उससे पहले से भी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी अतिक्रमण पर कार्रवाइयां हुई हैं। अन्य जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी जो है सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण को हटाए जाने के संबंध में जिला स्तर पर टास्क फोर्स गठित करी गई है। सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा के दिशा निर्देश दिए गए हैं। सरकारी संपत्तियों की जीआईएस मैपिंग करी जा रही है। जो कब्जे हैं उनको हटाया जा रहा है। जो सरकारी परिसंपत्तियां हैं उनको सुरक्षित करने हेतु अधिकारियों के उत्तरदायित्व निर्धारित करे जा रहे हैं। आपके मीडिया के द्वारा इसको समय समय पर रिपोर्ट भी करा गया है। पिछले 15-20 दिनों से एक ड्राइव हल्द्वानी क्षेत्र में नगर निगम की परिसंपत्तियों के संबंध में चला। शहर के जो चौराहे हैं, सड़कें हैं, ट्रैफिक कंजेशन से मुक्ति दिलाने के संबंध में उनके चौड़ीकरण की एक्टिविटी भी चली। सभी जगह विधिक रूप से प्रक्रिया पूर्ण करते हुए सभी को नोटिसेस दिए गए, सुनवाई के अवसर दिए गए। सुनवाई समिति ने करके प्रत्येक व्यक्ति को एक एक करके सुना और सबका निस्तारण किया। निस्तारण करने के बाद कुछ लोग माननीय उच्च न्यायालय में भी अप्रोच किया कुछ लोगों ने। कुछ को समय मिला, कुछ को नहीं मिला। जहां पर समय नहीं मिला वहां डिमोलिशन ड्राइव भी नगर निगम, पीडब्ल्यूडी और अन्य विभागों के माध्यम से अपनी अपनी परिसंपत्तियों पर टेकअप करी गई। तो मेरा ये स्टोरी, ये बैकग्राउंड बताने का मकसद ये है कि ये कोई आइसोलेटेड एक्टिविटी नहीं थी, ये कोई एक ही परिसंपत्ति को टारगेट करके करी हुई एक्टिविटी नहीं थी। ये पूरे काफी लंबे समय से हल्द्वानी के अंतर्गत सरकारी परिसंपत्तियों को अलग अलग क्षेत्रों में बचाने का, सुरक्षित करने का, अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान चल रहा है। उसी के क्रम में
इस प्रॉपर्टी पर जो कि खाली प्रॉपर्टी है, जिसमें दो स्ट्रक्चर्स हैं जो कहीं पर भी ना तो किसी धार्मिक संरचना के रूप में रजिस्टर्ड हैं, ना ही किसी प्रकार से मान्यता प्राप्त है। उन स्ट्रक्चर्स को कुछ लोग मदरसा कहते हैं, कुछ लोग उसको नमाज स्थल कहते हैं, लेकिन उसका विधिक रूप से दस्तावेजों के अंतर्गत कोई अस्तित्व वर्तमान में नहीं है। उनको हमने खाली कराया, जो ओपन स्पेस था उसका कब्जा ले लिया गया और एक नोटिस परिसंपत्तियों पर स्ट्रक्चर्स पर चस्पा करा गया, क्योंकि कथित रूप से ये एरिया मलिक का बगीचा नाम से जाना जाता है, जबकि कागजों में जो डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज हैं नगर निगम के, वहां मलिक का बगीचा के नाम पे दर्ज नहीं है, नगर निगम की नजूल भूमि के रूप में दर्ज है। तो इन स्ट्रक्चर्स पर नोटिस चस्पा करे गए और खुद से ही अपना अतिक्रमण 3 दिन के अंदर हटाने के निर्देश दिए गए। 3 दिन के अंदर अतिक्रमण न हटाए जाने की दशा में या तो अपने अभिलेख प्रस्तुत करेंगे जिसके स्वामित्व सिद्ध हो सके, या तो हटाएंगे, अदरवाइज नगर निगम द्वारा हटा दिया जाएगा। ये बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस संबंधितों को 30 तारीख को दे दिए गए थे। उसके बाद 4 तारीख की तिथि निर्धारित करी गई, जिसमें 3 तारीख को काफी ज्यादा मात्रा में जो प्रतिनिधि गण हैं, जो भी हितधारक लोग हैं, आसपास के क्षेत्रों के रहने वाले लोग हैं, वो संभ्रांत लोग नगर निगम के सभागार में आए और हमारी टीम के साथ चर्चा करी। उन्होंने काफी सारे विधिक बिंदु रखे, उन्होंने अपने प्रत्यावेदन दिए और हमसे ये मांग करी कि हमें उच्च न्यायालय में, माननीय उच्च न्यायालय में जाने का एक अवसर दिया जाए, माननीय उच्च न्यायालय का जो भी निर्णय होगा हमको स्वीकार होगा। उसके बावजूद जब हमने समय नहीं दिया, क्योंकि हम ऑलरेडी समय दे चुके थे, तो हमारी जो रात को फ्लैग मार्च की कार्रवाई हुई, फोर्सेज वहां पहुंची अगले दिन के डिमोलिशन ड्राइव के लिए, तो उनके द्वारा कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करे गए, जिसमें एक 2007 का एक ऑर्डर था, 2007 में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जिलाधिकारी नैनीताल को एक ऑर्डर किए गए थे किसी प्रार्थना पत्र के डिस्पोजल के लिए पर्टिकुलर परिसंपत्ति के संबंध में। उसका जब हम लोगों को वो कागज रिसीव हुआ, तो उस कागज की, उस आदेश की सैंक्टिटी को सुरक्षित रखते हुए, उसका सम्मान करते हुए हमारे द्वारा अपने कार्यालय से उसकी पत्रावली ट्रेस कराई गई और ये वेरीफाई किया गया कि इसका डिस्पोजल क्या 2007 से लेकर 2024 तक किया गया या नहीं किया गया। उसका डिस्पोजल की जब विधिक स्थिति स्पष्ट नहीं हुई, तो जल्दबाजी में डिमोलिशन ड्राइव ना करके उसको उस दिन रोक दिया गया, ताकि संबंधित पक्षों को वैधानिक कार्रवाई करने का पर्याप्त अवसर दिया जा सके। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी में ऐसी कोई कार्रवाई ना हो जो विधि विरुद्ध हो या लीगल प्रोसेस अपनाकर ना करी जाए। ये हमने एक्टिविटी को रोका गया, मदरसा जिसको कहा जा रहा है उस भवन को सील कर दिया गया, सभी की सहमति ली गई, वो हमारे पोजीशन में था, नगर निगम के एडमिनिस्ट्रेशन के पोजीशन में था, पीएसी वहां पर पोस्टेड थी, किसी भी व्यक्ति का उसमें कोई अहित होने की संभावना नहीं थी, कोई उसके अंदर रह नहीं रहा था, कोई बेघर नहीं हो रहा था, किसी का घर आवास स्थान उसमें इन्वॉल्व नहीं था। दैट वॉज अ स्ट्रक्चर विच वॉज इलीगल और उसको डिमोलिश करने से पहले जितनी भी विधिक प्रक्रियाएं हो सकती हैं वो पूर्ण करी गई।